स्पीकर साहब मुझे देखें, इधर देखें, इधर मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ देखें, साइड की तरफ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं फिर वापस आ गया हूँ आपके सामने एक नई YouTube वीडियो के साथ। गाइज, अगर आप वीडियो का मेन हिस्सा देखना चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़ाएं और सीधे वीडियो की मेन भाग पर पहुंचे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रहेगी रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके मेरे आने वाली वीडियोज़ की। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के पहले वीडियो को देखते हैं, फिर करते हैं वीडियो के बारे में अंतिम भाग। आपको शर्माना चाहिए। मैं इजलास को सस्पेंड करता हूँ। पहुंच चुके हैं गर्द जी कर 20 मिनट्स के लिए। इजलास को सस्पेंड करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन। अभी अभी आपने जो चंद मनाजिर देखे अभी प्रोग्राम के आगाज़ में, जो मैंने आपको स्पेशली ये मॉन्टाज बनवा कर दिखाया, ये हमारे पार्लियामान का अहवाल है। आज का हाल, अब से थोड़ी देर पहले जो सेशन हो रहा था उसकी कुछ झलकियाँ मैंने आपको दिखाई। वो पार्लियामान जिसमें हर बैठा हुआ MNA मुंतखब नुमाइंदा, चाहे वो आपका अपोजिशन लीडर हो, चाहे वो आपके स्पीकर असेंबली हो, चाहे वो आपके प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, उनका एक एक रुपया, उनकी सैलरी का एक एक रुपया, इस सेशन के एक एक मिनट की जो प्राइस है, जो पैसे हैं, वो हम जैसी आवाम के टैक्स के पैसों से जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमेशा की तरह आज भी बजट सेशन के बीच में भी आवाम की जरा भी बात नहीं की गई। अगर मैं आज के सेशन की हाईलाइट की बात करूं तो सबसे पहले उसके लिए मकसद जानना बड़ा जरूरी है। आज का जो सेशन था उसका मकसद ये था, ये इंस्ट्रक्ट किया गया था हुकूमत को कि भाई आपने ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तकरीर होने नहीं देनी। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि जो हुकूमती स्ट्रैटेजी है वो फ्लॉप हो गई, हुकूमती स्ट्रैटेजी हुकूमत को उल्टा पड़ गई, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तकरीर भी हुई, जो तकरीर मुख्तसर होनी थी वो लंबी हुई, वो तकरीर जिसमें से शायद किसी को कोई खबर नहीं मिलती वो बड़ी खबर भी बनी, न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज बनी और हुकूमत को उल्टा पड़ गया उनकी ये स्ट्रैटेजी, जब उन्होंने डिसाइड किया कि शोर शराबा हुल्लड़बाजी करके शहबाज और गालम गलौज करके वो शहबाज शरीफ की ऑपोजिशन लीडर की तकरीर को रोकेंगे। एक चीज तो ये, दूसरी चीज बेनिफिशियरी कौन था आज के इस पूरे सेशन की, आज के इस पूरी की पूरी सिचुएशन के बेनिफिशियरी सिर्फ एक फर्दे वाहिद रहे, वो थे द ग्रेट हीरो, द न्यू हीरो ऑफ पाकिस्तान, अली नवाज अवान साहब। इसलिए कह रही हूं क्योंकि ये पाकिस्तान का अलमिया है। ये शख्स जो आपको टीवी के ऊपर गालियां देते हुए नजर आ रहा है, औरतों की मौजूदगी में, खवातीन की मौजूदगी में मां बहन की गालियां देते हुए नजर आ रहा है, ये है पाकिस्तान का नया हीरो। मेला अली नवाज अवान साहब ने लूटा, इसलिए कह रही हूं कि उन्होंने मेला लूटा क्योंकि अभी, क्योंकि जैसे सेशन खत्म हुआ है पता क्या होगा, इमरान खान साहब इनको बुलाएंगे, इनकी पीठ थपथपाएंगे, इनको शाबाश देंगे, इनको कहेंगे वाह वाह अली नवाज अवान, तुमने अकेले ने क्या काम कर दिया। लोगों को इनकी एग्जांपल्स देंगे कि देखो ऐसा करना है, अकेले अली नवाज अवान ने ऑपोजिशन को नाको चने चबवा दिया। उसके बाद क्या होगा, मीडिया में भी ये हीरो बनेंगे, हर बड़े से बड़ा एंकर, हर बड़े से बड़ा चैनल अली नवाज अवान को अपने टीवी चैनल पर बुलाएगा, जिसका मकसद मुजम्मत या मुरम्मत नहीं होगा, मकसद सिर्फ एक होगा कि हमारी भी रेटिंग बढ़ जाए। क्योंकि यही तो पाकिस्तान का अलमिया है कि अली नवाज अवान जैसे लोग पाकिस्तान का हीरो बनेंगे, उनकी वाह वाह होगी। इसीलिए तो मैं कहती हूं कि मेला लूटा है आज अली नवाज अवान ने। चलते चलते कानून की भी बात कर देती हूं, फिर मैं ऑब्वियसली पैनलिस्ट के साथ आपको रूबरू कराऊंगी। कानून, आईने पाकिस्तान हमें क्या कहता है कि हर मुंतखब नुमाइंदा, हर पार्लियामेंटेरियन, चाहे वो अपर हाउस का हो चाहे वो लोअर हाउस का हो, उसको आर्टिकल 62, 63, 62 और 63 पे पूरा उतरना है, यानी कि सादिक और अमीन होना है। ये शख्स जिसको आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, अली नवाज अवान, जो खवातीन के सामने, औरतों के सामने मां बहन की गालियां दे रहा था लाइव कैमरे के सामने, वो सादिक भी है अमीन भी है। सदाकत और अमानत के ऐसे मनसब पर वो फाइज है क्योंकि उनसे वो गुना सरजद नहीं हुआ ना जो एक दफा वक्त के वजीर आजम से सरजद हुआ था। याद है ना आपको, नवाज शरीफ
वो नवाज शरीफ जिसको महज इसलिए निकाला गया, और वो महज इसलिए सादिक और अमीन नहीं है क्योंकि उसने अपने बेटे से ना लेने वाली तनख्वाह छुपाई थी। तो ये हैं जी, वंस अगेन लेडीज एंड जेंटलमैन, आई प्रेजेंट टू यू वेरी ऑनरेबल अली नवाज अवान साहब, कौम के, पाकिस्तान के, पीटीआई के, हम सब के हीरो। मैंने तो आज का सेशन बड़ा एंजॉय किया, आप भी एंजॉय करें और इस नए हीरो को वेलकम करें, क्योंकि अब आपको अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर हर जगह पर ये नजर आएंगे। कोई सियासतदान, चाहे वो पीएमएलएन का हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो, अली नवाज अवान का पीटीआई का बायकॉट नहीं करेगा कि आज पार्लियामेंट में इन्होंने कैसा तमाशा बनाया। इसलिए ये हैं कौम के नए हीरो। कोई एंकर, कोई चैनल अली नवाज अवान का बायकॉट नहीं करेगा क्योंकि जिसने इतनी नंगी खुले आम गालियां दी, क्योंकि ये हैं हमारी कौम के हीरो। यही है पाकिस्तान का अलमिया, जो दिखता है वो बिकता है। ये सब तो बड़ी इंजॉयमेंट वाली चीजें थी। अब जरा कुछ सीरियस बात करते हैं भाई। खत्म होते होते सेशन बड़ी मुश्किलों से, भाई सिक्योरिटी आ गई पार्लियामेंट के अंदर। इसलिए सिक्योरिटी आए क्योंकि एक दूसरे को किताबें मारी गई, हुकूमती बेंचेस से किताब उठा के मारी गई शहबाज शरीफ साहब को। शहबाज शरीफ साहब तो बच गए, लेकिन वो किताब हमारे सिक्योरिटी को लग गई और वहां पर हमने देखा कि उनका जो चेहरा है वो फट गया। गुत्थम गुत्था पार्लियामेंट आपकी हुई हुई है, वो पार्लियामेंट जिसका एक एक रुपया, एक एक एमएनए की सैलरी हमारे पैसों से जाती है। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो दोस्तों आज पाकिस्तान की जो असेंबली थी वहाँ पर पूरा मछली बाजार भी, मतलब एक छोटा लफ्ज़ होगा, मछली बाजार में तो हल्ला होता है, लेकिन यहाँ तो पूरा गाली वाला माहौल था। ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तानी मीडिया ने कोई हिंदुस्तानी भाव से इंस्पिरेशन लेकर, मतलब भाव को चैलेंज देने की कोशिश की है कि आप YouTube वीडियो में गाली देते हो, हम अपनी पार्लियामेंट में गाली देकर आपसे ज़्यादा अच्छी गालियाँ देकर दिखाएंगे। तो आज जो मतलब पाकिस्तान की पार्लियामेंट में हुआ है वो शायद ही दुनिया की किसी पार्लियामेंट में हुआ होगा। हालांकि पार्लियामेंट में हंगामे होते हैं, ये भी एक सच है। पार्लियामेंट में बहुत ज़्यादा, मतलब दुनिया की ऐसी कई पार्लियामेंट है जहाँ पर धक्का लड़ाई मुक्की सब हो चुकी है, लेकिन जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट या जो इंडिया के आसपास के पड़ोस के मुल्क हैं, भारत में भी ऐसा बहुत बार हुआ है, लेकिन इतना नीचे नहीं गिरे हैं लोग कि माँ बहन की गालियाँ, औरतों को पीटा जा रहा है, मतलब फाइलें फेंकी जा रही हैं, मुंह पर मारी जा रही हैं, और बहुत सारी क्लिप तो इस वीडियो में दिखाई नहीं गई है क्योंकि मीडिया की रिस्ट्रिक्शन होती है, यूट्यूब को भी रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप खुलकर सारी चीज़ें नहीं दिखा सकते। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान की जो अभी करंट गवर्नमेंट है उसी के मेंबर ने खुलकर इतनी गालीबाजी की है कि मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया वो बंदा, और वो पंजाबी में बिल्कुल जो भी सामने था उसको सबको वो माँ बहन कर रहा था। तो इस बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में आज ज़बरदस्त हलचल मची हुई है। पाकिस्तान के इस एंकर ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया कि अब होगा क्या। अब होगा ये कि जो पाकिस्तान के ये जो पीटीआई के जो मेंबर हैं, जो इनको अब पाकिस्तान की बड़े बड़े मीडिया चैनल बुलाएंगे, पाकिस्तान में अब इनका काफ़ी मतलब प्रमोशन होने वाला है एज अ लीडर, इस तरीके की चीज़ें इन्होंने बोली। तो दोस्तों अभी हाल ही में आपने देखा होगा पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान की तरफ से रिप्लाई में एक वर्ड यूज़ किया गया था। अफ़गानिस्तान ने बोला था कि हम हीरा मंडी के लोगों से बात नहीं करते। हीरा मंडी को आप अगर जानते ना हो, हीरा मंडी एक लाहौर में, मतलब शायद एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है और था, पता नहीं अभी भी है कि नहीं, मुझे ऐसा मैंने पढ़ा था कहीं पर। तो उसको लेकर उन्होंने रेफरेंस दिया कि हीरा मंडी के लोगों से हम बात नहीं करते। तो अफगानिस्तान ने जो लफ्ज़ यूज़ किए आज, शायद इन्होंने अपनी पार्लियामेंट में वो प्रूव भी कर दिया, इतना नीचे गिरे। और गनीमत यह रही कि किसी महिला को बुरी चोट नहीं आई, हालांकि एक महिला की आंख में बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, लेकिन शायद वो अब ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में लिखें, ख़राब लगा है तो वो भी लिखें, जो भी आपके मन में विचार है वो ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।